हाथ से ना साठ बने मेरा बना रहे था। और कितना खाना खिलाता है डेली अल्लाह के मेहमानों को, हर दिन उसके घर में खाना, हर दिन। इस जगह से ना जिते सरांदे पे इतने के हर बुद्ध महफिल होती है शाम को, शाह तो बाद लंगर भी होता है। हम जरा धान आदि तैयारी करते थे, उस तो बाद महफिल उसी जरा तो वहाँ का माहौल महफिल दिखाने के हिसाब किताब होता है। तो सब तो पहले मैं गाला मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नासिर सोलवी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को बाल पे दबा दें। जी दोस्तों, देखते हैं मैं धान आते हुए फ्रेश हो गया, पहले मैंने ना एक पैन का शौक पैन है, हूँ मैं बड़ा शौक है पैन का, पैन वाला सूट पाने का बड़ा ही शौक। उमरा करन गया था ना, उमरा करन तकरीबन मेरी ना त्रै ये दो जुतियाँ चेंज हो गया, दो दफा पा इतू मैं पा तक आई ना वो मक्के पा चेंज हो गई, तो तब्दील हो गई यानी लहा तो गया थे वो कहना से निकल बाय साइड तो निकल से तो जुटी गहरा मिली तो एक होर लग गई मैं उस वाल गया से मस्जिद खूबा गया थे ते शाम का टाइम आई उसे वो लहाद रखी आई वन अंदर नफल पढ़े हम थे या जियारत की थी आई चले बाहर वापस आया थे ते वो जुती मैंने लाई लगी बल्कि ये जो जुती है ना ये मैंने लग गई है एक तकरीबन महीना सवा होना थी खाली तीन सवा आ गई मैं बेहतरीन जुती चल रही थी दोस्तों। आज तुम्हें सारा माहौल दिखा, सो मैं पिछली वीडियो तुम दसा था हाई परिवार का सेना था मेरे इतने मजले से यानी मजले साथ दिखा सर आते पे ना मजर भी आना चाहिए मजले तो मजले सारी जगह है भाई हर बहुत शाम अशा तो बाद लंगर भी होता है अंदर उसे शाम दोस्तों पहाड़ जरा चेक करो कितने कितने ऊंचे पहाड़ पर नजर आते हैं सर ये गुजारा करें पैसे मगरब तो हो खड़ी है लेकिन शाह तो बाद महफल हो सी पी मुतबे यानी कारी साहब आकर सफाई कर लो गए सफाई कर मेरे हाथ से देख लो बोर्चे बोर्च सफाई करनी उस तो बाद महफल हो सी अशाह तो बाद मगरब तो हो खड़ी है ना अशाह तो बाद महफल हो सी इन कर गए हाँ जी वो मतवाद है मैं बना रहे था
सफाई करते ते आराम नाल बह गए ते अशाद नमाज पढ़ते ते बयान शुरू की गए सी ते बयान तो पूरा सुनना है ते गौर नाल सुनना है जिहड़ा कारी साहब ने अनुभव अच्छा बयान करे जरूर तो सुनना है इंशाल्लाह तुहानू जिहड़ा ना कुछ ना कुछ सबक हासिल हो सुनदे विच ते सफाई दा देखो जरा लोग चैक करो हम सफाई सिखा ली जो बाहर की भी की अंदर की सार की वो जिते कलीम बिछी हुई नजर आती पे इतने जोड़ा ना वो मजलिस होती यानी तकरीर होती लंगर जोड़ा होंगे ना वो खुद जो कारी आते हैं मौलवी कारी साहब आते हैं इतने आते हैं मुतवा यानी मुतबे के घर यानी लंगर पकड़ तबे का सामने वाला कमरा भी तुम उन्हें भी लै चलता मैं सर ये मुतबे का कमरा है भाई साहब लगे ने चटनी बने रहता बिरयानी हाथ से ना साड़ बने मेरा किचन मुतबे चटनी यानी रायता बने चटनी नहीं आखना चाहिए इतने बड़े लोग आते चटनी का ना ना लिया करो रायता करो रायता चटनी भाई गड्डी सामने जो नजर आती खड़ी है मुतबे की कारी साहब ये पाकिस्तान का ये जो मुतबा है ना पाकिस्तान का है तो इन तकरीबन ढेर सारे साल थे नहीं तो जुम्मा भी पढ़ा जितना जुम्मा पढ़ाया ना इतना जुम्मा पढ़ा जल जुम्मा पढ़ा खड़ा पता नहीं लगता भी पाकिस्तानी है या इतना सऊदी का नमाज तो बाद महफिल उसी लंगर हाजियों अल्लाह के मेहमानों को जो ज़ियुफुर रहमान थे अल्लाह के जो मेहमान थे उनको वो खाना खिलाता है। तो मारी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवाल करती हैं कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्ने जदान किधर जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ फिर नार वो जहन्नम में जाएगा किधर जाएगा जो खोल दिया किधर जाएगा जहन्नम में जहन्नम में कौन जाएगा अब्दुल्लाह इब्ने जदान और कौन है ये जो मक्का में अल्लाह के मेहमानों को खाना खिलाता है बताओ इससे बड़ी नेकी हो सकती है लेकिन जाएगा किधर और कितना खाना खिलाता है डेली अल्लाह के मेहमानों को हर दिन उसके घर में खाना हर दिन और फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पे वो खिला लेकिन वो जाएगा किधर जहन्नम कौन फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नम में जाएगा सवाल किसने किया मारी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वजह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने जिंदगी में एक बार भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अल्लाह की तौहीद का उसने इकरार नहीं किया है इसलिए वो जहन्नम में जाएगा। अब एक और है एक और मिसाल देते हैं किताबुत तौहीद के अंदर जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जैसे ये हमारे यहाँ नहीं होता है रोडों के ऊपर ये टोल टैक्स वाले बैठे होते हैं जो गाड़ी जाती है ना तो वो पर्ची देते हैं पैसा लेते हैं रोड का जो है ना वो टैक्स ले रहे गवर्नमेंट ऐसे ही है। तो एक दरबार था अरब में दरगाह थी ज्यारत थी उधर से जो भी गुजरता था ना कोई भी आदमी वो
उधर से गुजरता है गाड़ी वाल जो मतलब ऊंट पे है, घोड़े पे है, पैदल है, लश्कर है, तो वहां से वो लोग बैठे हुए थे और वो उन्होंने रोड को बना करके रखा हुआ है। जो आता है उसको कहते बाबा जी के नाम की पर्ची दो, चले जाओ। जो बाबा जी के नाम की पर्ची देता था उसके नजराना देता था, बकरा देता है, पैसा देता है, ऊंट देता है, कुछ भी बाबा जी की जियारत के लिए कुछ देता है तो उसको बोलते थे जाओ। जो नहीं देता है उसको पकड़ लेते थे। जब तक वो देता नहीं था उस तक उसको छोड़ते नहीं। दो आदमी जा रहे थे, मुसलमान थे दोनों। क्या थे? मुसलमान। मुसलमान थे ये दोनों। वहां से गुजरे हैं, उन्होंने कहा बाबा जी के नाम का नजराना दो। तो वो बोले कि ये बाबों के नाम का नजराना तो शिरक है। ये क्या है? शिरक है। ये देगे देते हैं, वो बकरे देते हैं, मुर्गे देते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, कुछ भी, ये क्या है? शिरक है। ये शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उन्होंने कहा कि भाई इधर कुछ दोगे तो जाओगे, नहीं दोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब भाई शिरक है, हम कर सकते? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा अगर चाहिए जो इधर मक्खी है ना, इधर पर घूम रही हो, ये मक्खियां है ना हमारे ऊपर बैठ जाती है, ये मक्खी जो है अगर चे ये पकड़ के तुम बाबा के नाम की मार के इधर फेंक दो, हम तुमको छोड़ देंगे। अब मक्खी की क्या हैसियत है? क्यों भाई, अगर वो मक्खी को पकड़ के मार के फेंक भी देता है तो इसमें क्या मुश्किल? कहने को तो यही है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ने बोला कि कोई बात नहीं है यार, मक्खी है ना, ये इधर घूम रही है, ये देखो। हाँ जी, ये मक्खी है ना, इसको मक्खी को अगर ये बाबे के नाम के फेंक देता हूँ क्योंकि ये यार ऐसे दिमाग चाट रहे हैं, पकड़ लिया छोड़ रहे नहीं है, लिहाजा क्या करते हैं कि मक्खी फेंक के यहां से निकल जाते हैं। उसने मक्खी पकड़ी, मारी उसको, ये बाबा जी के नाम की ले लो, जान छोड़ो भाई, वो निकल गया वहां से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जहन्नुम में चला, ये किधर चला जहन्नुम, कि इसने मक्खी अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे मार के दे दी। गैर अल्लाह के नाम पर जबा करना, मारना, तकसीम करना वो जायज नहीं है, हराम है। कुरान ने कहा है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वअलैकुम सलाम वमा उहिया बिही लिगैरिल्लाह, के जो भी चीज अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर बांटी जाए वो हराम है। वो क्या है? हराम है। कुरान कहता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत, मुर्दा तुम्हारे ऊपर हराम है, वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर तकसीम किया जाए वो भी क्या है? हराम है। ये कौन कह रहा है? कुरान। ये कौन कह रहा है? कुरान। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी के नाम का दिया जाएगा वो क्या है? हराम है। अब इसने मक्खी पकड़ी, उसको उधर मार के फेंक दी। अब फेंक दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये किधर गया? भाई को अल्लाह के नाम के अलावा अगर देंगे दे तो, बकरे दे तो, हाँ जी वो जुमेराते देता है, ग्यारहवीं देता है, वो पता नहीं क्या क्या देता है, तो फिर ये जायज है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ उस बाबे के नाम की क्या दी है? मक्खी। मक्खी कोई खाता है? मक्खी बिकती है? मक्खी को कोई पैसे देता है? ये बगैर पैसों के गुनाह उसने किया बाबे के सिर्फ नाम पर, तो अल्लाह ने उसको किधर डाल दिया? अब दूसरा उधर खड़ा वो बोलता है भाई बात सुनो, मैं अल्लाह के अलावा मक्खी भी देने वाला नहीं। दो थे ना,
एक ने तो दी और जान छुड़ाई। यार ये मौलवी जो है ना पीछे पड़ गया, ये जो है ना मतलब बाबे पड़ गए तो ये मुजावर है, ये छोड़ नहीं रहे, जान छुड़ाओ इससे। हमारे कहते ना यार वो ये हम तो ये 11वीं जुमेरात तो बड़ी दूर की बात है, अभी दिवाली गुजरी है। जी जी दिवाली गुजरी है ना, तो हमारे मुस्लिम दिवाली में शरीक होते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा शरीक होते, उसकी मिठाइयां देते हैं, देते क्या जी त्योहार है, क्या मुश्किल है। हाँ जी 11वीं के दिन जो खीर आ गई, कहते जी वो उन्होंने भेज दिए, हम क्या करो, कोई बात नहीं खा लो, जुमेरात आ गई है कोई बात नहीं है खा लो, कहता है ये शबरात आ गई कहता है खा लो, कोई भी चीज हो कहते बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। वो भी था उसने कहा एक मक्खी दो जान छुड़ाओ, मक्खी दे के जान छुड़ा के तो वो किधर गया? जहन्नम में। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दूसरे ने ये कहा कि मर सकता हूं पर अल्लाह के अलावा किसी के लिए मक्खी भी नहीं दे सकता, मक्खी भी। उन्होंने उसकी गर्दन उड़ा दी, उन्होंने क्या किया उसकी गर्दन उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के नाम पर उसने अपनी जान दे दी लेकिन शिरक किया शिरक नहीं किया। ये मैं किताब तौहीद की हदीस पढ़ रहा हूँ, अपनी बात खुद की नहीं, आप कुरान में क्या कहा अल्लाह फरमाते हैं इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिरक है। क्यों कि वो अब जो ना हम समझते हैं कि सिर्फ किसी के सामने जो है ना मतलब सजदे करने को शिरक बोला जाता है, कई मतलब है नामों के अंदर शिरक है, नामों के अंदर, आमाल के अंदर, आदात के अंदर, आपकी तकालीद और सकाफत के अंदर शिरक है। लोग जो है अल्लाह का नाम छोड़कर किसी और के नाम के जो है ना मतलब है चढ़ावे चढ़ाते, किसी और को सोरते हैं बुलाते हैं, दुआ के अंदर शिरक होता है, किसी और के नाम से दुआ की जाती है। हाँ जी उसके सामने इल्तिजाए कर रहा है बाबा जी ये बिलाजे काट रखा दे, बाबा जी काट रखा दे, बाबा जी बचा लिया दे। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म है जो अल्लाह के अलावा किसी और के साथ किसी और से पुकारा जाता है, किसी और से मदद ली जाती है, किसी और से शिफा ली जाती है, किसी और से औलाद ली जाती है, किसी के और के नाम। अब जो हमारे गाड़ियों में या जनाब या चौराहों पे या दरवाजों पे मांगने वाले आते हैं तो आवाज क्या लगाते हैं, नजरे अल्लाह न्याजे हुसैन कहते हैं ना भाई, नजरे अल्लाह न्याजे हुसैन कहते हैं या नहीं? ये हुसैन का नाम बीच में किस लिया है? अली अली के नाम पे दे दो, हुसैन के नाम पे दे दो, अली हुसैन ने मलांगना। प्यारे भाइयों जब अल्लाह के अलावा किसी और का नाम आएगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा तो मैं शिरक कर रहा हूं। वो कितना भी मजबूर क्यों ना मेरे सामने खड़ा हो, जब वो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे मांग रहा है उसको देना मेरे ऊपर हराम है। मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह को पूछता हूं, किसी और को नहीं। मैं अल्लाह के नाम का देखता हूं, अल्लाह के नाम का खाता हूं, अल्लाह के नाम का जीता हूं। ऐसे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे भाइयों, हां जी तवज्जो है ना सब की, अल्लाह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम आठवें पारे की आयत पढ़ने लगा हूं, सूरह जो है ना मतलब अनाम की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ पिछला जगह ना मोबाइल में की इशारे देखो कोई सेलिया अच्छा, इन्ना सलाती व नुसुकी, ये थोड़ा सबक में हफ्ते में होता है, जरा तवज्जो किया करें, कुछ फायदा हो जाए, हम भी फायदे के लिए बैठ के अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह भाई आप जो है ना वो ले लें, ये जो बाहर जो इधर वो होंगे जाएं आप लगा दें, जरा इनको जल्दी ठंडी लग रही है।
सुबह उठते हो पैर जिन्हें चाहिए।